हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भी ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने स्मार्टफोन में 5 वोल्ट 2 एम्पीयर मतलब कि 10 वाट की चार्जिंग देती हैं, और यहां पर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो आज 120 वाट की चार्जिंग तक पहुंच चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वीवो की सुपर फ्लैश चार्ज की, जो कि 120 वाट की चार्जिंग टेक्निक है, और सिर्फ 13 मिनट में ये चार्जिंग टेक्निक 4000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन को फुल चार्ज कर देती है। तो यहाँ पर वीवो ने ऐसा क्या कर दिया है जो कि और कंपनीज नहीं कर पा रही हैं, आइए जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि क्या ये जो फास्ट चार्जिंग है ये सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, ये जो फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। अगर आपको याद होगा, जो पुराने चार्जर आया करते थे वो कंप्यूटर के USB पोर्ट को रेप्लिकेट करते थे, आपको 5 वोल्ट 0.5 एम्पीयर पर देते थे, मतलब कि 2.5 वाट के चार्जर थे। उस समय दोस्तों जो बैटरी थी वो छोटी हुआ करती थी, बट जैसे जैसे जो बैटरी है वो बड़ी है, वैसे वैसे जो चार्जर है उनकी जो कैपेसिटी है, उनके जो वाटेज है वो भी बड़ी है। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट पर 1 एम्पीयर वाले, 1.5 एम्पीयर वाले और फाइनली 5 वोल्ट पर 2 एम्पीयर वाले चार्जर देखने को मिले थे, मतलब कि 10 वाट के चार्जर हमें मिलते थे। तो यहाँ पर 2 एम्पीयर तक तो 5 वोल्ट पर USB केबल के थ्रू भेजना आसान होता था, बट इससे ऊपर जाने के लिए दोस्तों हमें अपनी USB केबल को थोड़ा मोटा करना पड़ा, मतलब कि जो कॉपर है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ा, थोड़ी मोटी वायरिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा। और यहाँ पर दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर जो ओप्पो का वूक चार्जिंग है या फिर जो डैश चार्जिंग है या फिर जो वैप चार्जिंग है वो दोस्तों यहाँ पर वर्क करती है। वहाँ पर दोस्तों जो वोल्टेज है वो अभी भी 5 वोल्ट है, जबकि करंट को बढ़ा के 4 एम्पीयर कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 20 वाट और 30 वाट को कैरी किया है। तो यहाँ पर वायर्स को मोटा करके, उनका रेजिस्टेंस कम करके हम लोगों ने पावर को बढ़ाया, जबकि दोस्तों क्वालकॉम ने अपनी QC 2.0 में करंट को नहीं बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया। और दोस्तों वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट पर पावर डिपेंड करती है, तो वोल्टेज बढ़ाओ या करंट बढ़ाओ तो पावर दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर QC 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट इनका इस्तेमाल किया गया है, और दोस्तों इसकी वजह से जो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी थी वायर की, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, मतलब कि उसी वायर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते, उसी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते, माइक्रो USB पोर्ट का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता था। तो यहाँ पर उसी वायर और उसी कनेक्टर के थ्रू हम लोगों ने ज़्यादा पावर को भेजा है। अब दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने का एक नुकसान ये है कि आगे जाकर जब हम लोग इस वोल्टेज को डाउन करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे DC टू DC बूस्ट या बक कन्वर्टर के थ्रू, तो यहाँ पर पावर वेस्ट होगी। जबकि दोस्तों करंट बढ़ाने का नुकसान केबल के अंदर ही है, मतलब कि केबल अगर लॉस कर रही है करंट को या फिर पावर को इन टर्म्स ऑफ हीटिंग या फिर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर वो नुकसान है। जबकि दोस्तों यहाँ पर पावर कन्वर्जन में कोई भी नुकसान नहीं होता है। जबकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग ने एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग में, हुआवे ने अपनी फास्ट चार्जिंग में, मीडियाटेक की अपनी फास्ट चार्जिंग में, QC 2.0 3.0 इन्होंने अपनी फास्ट चार्जिंग में वोल्टेज को बढ़ाया है, जबकि ओप्पो ने अपनी वूक चार्जिंग में, वन प्लस ने अपनी डैश चार्जिंग में, सुपर वूक चार्जिंग में करंट को बढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस टेक्निक से हम लोग आराम से 20-30 वाट तक की जो चार्जिंग है उसको अचीव कर सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे 30 वाट से ऊपर जाना है तो ऐसे केस में मुझे करंट और वोल्टेज दोनों का सहारा लेना होगा, मतलब कि वोल्टेज भी बढ़ानी होगी और करंट भी बढ़ानी होगी। और इसी टेक्निक पर दोस्तों हमारा जो 40-44 वाट 50-60 वाट के जो चार्जर हैं वो वर्क करते हैं। और जो Xiaomi ने अपना दिखाया था 100 वाट का चार्जर, जो कि 17 मिनट्स में 4000 mAh की बैटरी को चार्ज कर देता है, वो भी दोस्तों यहाँ पर इसी टेक्निक पर वर्क करता है। और जो अभी सुपर फ्लैश चार्ज दिखाई है वीवो ने, ये भी दोस्तों यहाँ पर करंट और वोल्टेज की इसी कम्बिनेशन पर वर्क करती है, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज को भी बढ़ाया गया है और करंट को भी। तो यहाँ पर जो मोटिव इन चार्जिंग टेक्निक का रहा है वो यही रहा है कि जो चार्जिंग टाइम हमें पहले 2-3 घंटे का लगता था उससे कम करना, मतलब कि लोग चार्जिंग टाइम में अपना टाइम वेस्ट ना करें, नॉर्मली 5-10 मिनट अगर वो चार्ज कर लें तो उनको पूरे दिन तक का बैकअप मिल जाए। बाकी एग्जैक्टली में Xiaomi ने क्या यूज़ किया है 100 वाट की चार्जिंग में, और जो अब यहाँ पर वीवो की 120 वाट की जो फास्ट चार्जिंग आई है इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या वोल्टेज वैल्यू रहेगी, क्या करंट वैल्यू रहेगी, इसके बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं। बट 120 वाट की जो चार्जिंग है वो तभी पॉसिबल है जब हम दोस्तों यहाँ पर करंट को भी बढ़ा दें और वोल्टेज को भी बढ़ा दें। और दोस्तों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हमें मोबाइल फ़ोन के अंदर 3.7 वोल्ट के बदले 7.2 वोल्ट की बैटरी मिल सकती है और इवन इससे बड़ी भी। तो ऐसे केस में 120 वाट की चार्जिंग 150, 200,
500 वाट की चार्जिंग भी दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इतनी फास्ट चार्जिंग से मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करना क्या सही रहेगा? तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आप ये चीज़ ऐसे समझ लीजिए, एक बैटरी जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पीयर मतलब 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है या फिर मैक्सिमम 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है, अगर आप उस बैटरी को 30 वाट से चार्ज करोगे या फिर उससे ज़्यादा, तो ऐसे केस में उसके फटने के चांसेस रहते हैं। जबकि दोस्तों ये जो बैटरी वीवो ओप्पो वन प्लस या फिर शॉमी यूज़ करेगा अपनी इन फास्ट चार्जिंग के अंदर, वो दोस्तों एक अलग बैटरी होगी, मतलब कि उनकी जो कैपेसिटी रहेगी वो वही रहेगी, बट उनके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाएंगे, जो सेपरेटेड यूज़ किए जाएंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाएगा, वो दोस्तों यहाँ पर अलग होगा, जो कि इतने हैवी करंट को झेल पाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी मार्केट में अगर आप देखोगे सैमसंग की अपनी बैटरीज आती हैं लिथियम आयन, जो 1865 वाली सेल है, वो अगर आप देखोगे तो सैमसंग के अपने सेल आते हैं जो कि 10C मतलब कि अपनी जो अगर वो 4 एम्पियर आवर की बैटरी है तो वो 40 एम्पियर से भी चार्ज हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की बैटरीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इन बैटरीज में दोस्तों होता ये है कि इनके अंदर जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, जैसे कि ट्यूबलर बैटरी में होता है। तो यहाँ पर वैसे ही मटेरियल हम लोग अगर लिथियम आयन बैटरी में यूज़ करते हैं या फिर कर रहे हैं, तो अगर हम उन बैटरीज को चार्ज करते हैं 120 वाट की चार्जिंग से या फिर 100 वाट की चार्जिंग से, तो दोस्तों उनका कुछ नहीं होने वाला, वो आराम से चार्ज हो जाती हैं। जबकि अगर आप अपनी बैटरी को जो कि 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं या फिर मैक्सिमम 4 एम्पियर मतलब कि 20 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, तो उन बैटरीज का दोस्तों यहाँ पर फटने का चांसेस हैं। बाकी दोस्तों जो कंपनीज लगा के देंगी इन फास्ट चार्जिंग मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो वो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट करेंगी और डेफिनेटली आप उनको फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बस यहाँ पर यूज़ करना है। बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप मोबाइल फ़ोन की बैटरी को फास्ट भी चार्ज करते हो और एक साइड आप उसको स्लोली चार्ज करते हो, तो यहाँ पर स्लो चार्ज करने वाली बैटरी आपकी ज़्यादा लाइफ तक रहती है, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, वो फटेंगी भी नहीं, वो ख़राब भी नहीं होगी, उनका जो सेल्फ लाइफ होगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी बना रहेगा। जबकि अगर आप उसी बैटरी को फास्टली चार्ज करते हो तो दोस्तों वो फट सकती हैं, फूल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, डिग्रेड कर सकती हैं, अपनी कैपेसिटी लूज़ कर सकती हैं, तो यहाँ पर कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर ये उस समय भी वैलिड रहेगा और ये आज भी वैलिड है, बाकी फटने फूटने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, ये डिफेक्टिव बैटरीज में ही होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, अगर आपने नहीं दे रखी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि चार्जिंग टेक्निक में क्या नई इनोवेशन होने वाली है और हमें कितनी फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।